हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको याद कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखती हूँ उनकी ट्रू फीलिंग, उनकी करेंट एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या वो आपको याद कर रहे हैं। कहाँ बिजी हैं आपके पार्टनर? अगर बिजी हैं तो क्या वो आपको याद कर रहे हैं? चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कियंस दिव्य शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग, उनकी करेंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे हैं। याद तो कर रहे हैं डियर, लेकिन मुश्किलें हैं। बॉटम द डेक से है द हेरोफेंट, टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए डियर, मैं यहां बोलूं, बहुत के पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। यहां जो कार्ड्स आए हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए डियर, आपके पार्टनर देखा जाए याद तो कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है डियर। इनकी एनर्जी में उतार चढ़ाव, यानी कि मूड स्विंग होना, इनको इनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है डियर आपको लेकर, ठीक है। बार बार इनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है आपको लेकर कि आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर, कुछ के पार्टनर ईगो से भी डील कर रहे हैं डियर, ठीक है, और बहुत ही कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो द हेरोफेंट की एनर्जी भी है यहाँ पे और टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पार्टनर जो भी है, मेल हो फीमेल हो, इस वक्त ये कंफ्यूज है, लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन में रहे हैं डियर। अपना दबदबा आपके ऊपर बहुत बनाया है, आपने दिया है दिया है दिया है और उन्होंने लिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं डियर, ये पर्सन आज भी, अभी इसी वक्त भी ये कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी यूनियन चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है डियर आपको लेकर। लेकिन ये पर्सन किसी बात की वजह से या आपसे बातें छुपा रहे हैं ईगो की वजह से, और मुझे यहां लग रहा है डियर कि आपके पार्टनर, ठीक है, देखिए यहां पे अगर आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, यहां पे किसी के पार्टनर के लाइफ में फीमेल भी है और मेल भी है, ठीक है, जहां ये पार्टनर आपसे बातें भी छुपा रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। बहुत ईगोइस्टिक, बहुत स्टबर्न, बहुत मैनिपुलेटिंग, लेकिन ये पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है डियर। लेकिन ये पर्सन के अंदर आपके लिए पैशनेट एनर्जी काफी मैं देख पा रही हूं, लेकिन कंफ्यूज्ड है डियर, बहुत कंफ्यूज्ड है। और सबसे बड़ी बात, आप या आपके पार्टनर कोई तो एक हो यहां पे की बातें छुपा रहे हो एक दूसरे से, और मुझसे सब मुझे जो एनर्जी है सबसे ज्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। और इस वजह से पर्सन कंफ्यूज्ड है। अगर आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, किसी के पार्टनर के लाइफ में कोई फीमेल का या मेल का दबदबा है डियर, जहां ये पर्सन हो सकता है ये जानबूझकर भी दिखा रहा है डियर कि वो ईगोइस्टिक है। देखिए इस पर्सन पे अगर इस वक्त की एनर्जी देखी जाए
तो फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन झूठ भी बोल रहे हैं, ईगो भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर्सन पर विश्वास इस वक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। और व्यूअर्स, आपकी एनर्जी देखी जाए तो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, जबकि आपके अंदर बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ है डियर, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको खुद ब खुद आपको कुछ ऐसा अनुभव होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर पाते हो, लेकिन आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, एक पैशनेट एनर्जी है, कंफ्यूज है, और यहाँ पे पैशनेट एनर्जी बहुत आया डियर, पैशनेट बहुत है आपके लिए और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डियर बहुत के पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है, और किसी के पार्टनर अभी भी जिद में है, क्योंकि या उन्हें लग रहा है कि आप बातें छुपा रहे हो उनसे, या फिर आपको लग रहा है कि वो आपसे बातें छुपा रहे हैं, आप दोनों में ट्रस्ट इश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, और देखिए डियर ये पर्सन जो भी हैं कंफ्यूज बहुत है, आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे कि आपको कमिटमेंट देंगे या फिर आप दोनों एक होंगे या नहीं, कंफ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू है, यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्द यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है, कंफ्यूजन है, थर्ड पार्टी इश्यू है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डियर कहीं ना कहीं या कमिटमेंट से रिलेटेड या फिर यूनियन से रिलेटेड ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त ये पर्सन कहा जाए तो काफी ये सोच रहे हैं, ये पर्सन सोच काफी रहे, एक्शन कम दिख रहा है डियर, समझ गए आप, ये सोच ज्यादा रहे क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, बातें भी छुपा रहे हैं, डर भी है इन्हें और पैशनेट भी फील कर रहे हैं, लेकिन डियर यूनियन तो चाह रहे हैं, ये काफी सोच रहे हैं, लेकिन इस यूनियन में थोड़ा मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं, ये झूठ भी बोल रहे हैं आपसे, इस वक्त आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आप चाहते हो इनसे मैरिज करना, आप चाहते हो ये आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं डियर, ये रीयूनियन चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर ये कुछ छुपा रहे हैं और यहां कंफ्यूज्ड है, इसलिए आपकी जो यूनियन है ना इसमें मुझे लग रहा है डियर कि थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो यहां पे मुझे दिख रहा है डियर हाई द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, उन्हें लग रहा कि आप बातें छुपा रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो बातें छुपा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों में डियर, लेकिन यूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन कंफ्यूज्ड बहुत है। फाइव नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है व्यूअर्स, ठीक है, फाइव नंबर इंपॉर्टेंट है, वन नंबर इंपॉर्टेंट है और टू नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, फाइव फाइव की एनर्जी आई है, टू टू की एनर्जी आई है, वन वन की एनर्जी, किसी के लिए वन, किसी के लिए टू, किसी के लिए थ्री, किसी के लिए फाइव, लेकिन यूनियन चाह रही है डियर, ठीक है, और आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो फैमिली, इनमें फैमिली भी इन्वॉल्व है, ठीक है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व तो है ही और उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, कोई फीमेल इन्वॉल्व है और कोई मेल इन्वॉल्व है, लेकिन आपके रिश्ते में खिचड़ी बन रही है डियर इस वक्त, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी, तो मुझे लग रहा है बहुत व्यूअर्स आपके लाइफ में एक साइकिल जो है ना एंड हुई है, या फिर एक न्यू बिगनिंग हुई है, या फिर होने वाली है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, और डियर यहां पे अपनी एनर्जी के देखना है आपको, अपनी एनर्जी को इसलिए देखना क्योंकि यहां टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, कहने का मतलब कि कंफ्यूजन है, साइकिल किस तरह से कंप्लीट कर रही है, किस एनर्जी में हो आप, ठीक है, तो अभी इसी वक्त एनर्जी आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है, लेकिन यूनियन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कंफ्यूज्ड बहुत है, चाह तो रहे डियर आपसे मिलना, लेकिन बहुत व्यूअर्स के पार्टनर आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है बहुत जल्द, ठीक है,
सबके नंबर्स अलग हो सकते हैं, डिवाइनिंग टाइम डिवाइनिंग समय सबके अलग हो सकते हैं डियर। सबके लिए, किसी के लिए 5 है, किसी के लिए 3 है, किसी के लिए 1 है, किसी के लिए 2 है, ठीक है। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनट घंटे सेकंड और दिन भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त किसी के पार्टनर आपसे ईगो से डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो ऐसा होने लग रहा कि आप उनसे छुपा रहे हो, बातें छुपा रहे हो। और डियर सबसे ज्यादा आपके पार्टनर कुछ बात छुपा रहे हैं जो कि उनके लाइफ में, जो फीमेल है, मेल है, या थर्ड पार्टी इशू है या फैमिली इशू है, ये बात आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी है डियर, ठीक है। लेकिन हाँ, यूनियन चाह रहे हैं, लेकिन सोच बहुत है, कंफ्यूज बहुत है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत जल्द बहुत व्यूअर्स आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है डियर, सारे साइन है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, बॉन्स भी है, तो लगभग सारे साइन है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन सोच काफी रहे हैं। लेकिन हाँ, इस प्यार में सच्चाई है, ये कुछ दिख रहा है डियर, और बहुत लोग की यूनियन होने वाली है, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी आ गई है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू स्ट्रांग है, यहां झूठ भी आ रहे हैं इस एनर्जी में, ईगो भी आ रहे हैं, फैमिली इशू भी आ रही है, और कंफ्यूजन भी आ रहा है। तो मिला जुला के आपके पार्टनर की जो एनर्जी है इस वक्त कंफ्यूजन वाली है, और बहुत के पार्टनर मुझे लग रहा है कि यूनियन चाह रहे, लेकिन यूनियन में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। लेकिन आप लोग के लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आप अपना मैनिफेस्टेशन करते जाएं, अपने आप को हील करते जाएं, अपने प्रेयर प्रार्थना में कमी ना करें, ठीक है। बहुत मिक्स एनर्जी आई है डियर, पैशनेट फील कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऑब्स्टिकल भी आ रहे हैं, झूठ भी है इस रिश्ते में, कुछ सच्चाई भी सामने आ सकती है व्यूअर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी, एक साइकिल आप लोग का कंप्लीट हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी में भी रहना है, ठीक है। तो चलिए, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, याद भी कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, मिलना भी चाह रहे हैं, यूनियन भी होने वाली है, ठीक है। और जिन लोग की यूनियन होगी, कमेंट में आप जरूर लिखेंगे बाबू, ठीक है। तो चलिए, मिला जुला के मिक्स एनर्जी आई है, जिन लोग की जो एनर्जी मैच होती है, किसके पार्टनर ईगो से डील करें, किसके पार्टनर पैशनेट फील करें, किनकी कॉल मैसेज आई है, किनकी रीयूनियन हुई है, किसके साथ सेलिब्रेशन हुआ है, किसकी साइकिल न्यू साइकिल स्टार्ट हुई है, बाबू जरूर लिखेंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। वीडियो आपसे रेजोनेट करता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।